हमारे ज़माने में साइकिल तीन चरणों में सीखी जाती थी। पहला चरण कैंची, दूसरा चरण डंडा व तीसरा चरण था गद्दी। तब साइकिल चलाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि तब घर में साइकिल बस एक होती थी जिसे पापा ही चलाया करते थे। तब साइकिल की ऊंचाई 24 इंच हुआ करती थी, जो खड़े होने पर हमारे कंधे के बराबर आती थी। ऐसी साइकिल से गद्दी चलाना मुनासिब नहीं होता था। कैंची वो कला होती थी जहां हम साइकिल के फ्रेम में बने त्रिकोण के बीच घुसकर दोनों पैरों को दोनों पेंडल पर रखकर चलाते थे, और जब हम ऐसे चलाते थे तो अपना सीना तानकर टेढ़ा होकर हैंडल के पीछे से चेहरा बाहर निकाल लेते थे, और ट्रिन ट्रिन करके घंटी इसलिए बजाते थे ताकि लोग भाग देख सके कि लड़का साइकिल दौड़ा रहा है। आज की पीढ़ी इस एडवेंचर से महरूम है। उन्हें नहीं पता कि 8-10 साल की उम्र में 24 इंच की साइकिल चलाना जहाज उड़ाने जैसा होता था। हमने ना जाने कितने दफ़ा अपने घुटने और मुंह तोड़वाए थे, और गजब की बात तो यह है कि तब दर्द भी नहीं होता था। गिरने के बाद चारों तरफ देखकर चुपचाप खड़े हो जाते थे अपना निकर पहुंचते हुए। अब तकनीकी ने बहुत तरक्की कर ली है। 5 साल के होते ही बच्चे साइकिल चलाने लगते हैं, वो भी बिना गिरे। 2-2 फीट की साइकिल आ गई है, और अमीरों के बच्चे तो अब सीधे गाड़ी चलाते हैं। छोटी छोटी बाइक उपलब्ध है बाजार में, मगर आज के बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे कि उस छोटी सी उम्र में बड़ी साइकिल पर संतुलन बनाना जीवन की पहली सीख होती थी, जिम्मेदारियों की पहली कड़ी होती थी, जहां आपको यह जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि अब आप गेहूं पिसाने लायक हो गए हैं। इधर से चक्की तक साइकिल डुगराते हुए जाइए, और उधर से कैंची चलाते हुए घर वापस आइए। और यकीन मानिए, इस जिम्मेदारी को निभाने में खुशियां भी बड़ी गजब की होती थी। और यह भी सच है कि हमारे बाद कैंची प्रथा विलुप्त हो गई है। हम लोग ही दुनिया की आखिरी पीढ़ी है जिसने साइकिल चलाना तीन चरणों में सीखा था। हम वो आखिरी पीढ़ी है जिन्होंने कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानी सुनी, जमीन पर बैठकर खाना खाया, प्लेट में चाय पी है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले में मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल गिल्ली डंडा, लुका छुपी, खो खो, कबड्डी, कंचे जैसे खेल खेले हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कम या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया है और नॉवेल पढ़े हैं। हम उसी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बात खतों में आदान प्रदान किए हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी व हीटर के बिना ही बचपन गुजारा है। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जो अक्सर अपने छोटे बालों में सरसों का ज़्यादा तेल लगाकर स्कूल और शादियों में जाया करते थे। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने स्याही वाली दवात या पेन से कॉपी, किताबें, कपड़े और हाथ काले नीले किए हैं। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीचर से खूब मार खाई है। हम वो आखिरी लोग हैं जो मोहल्लों के बुजुर्गों को दूर से देखकर नुक्कड़ से भागकर घर आ जाया करते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने गोदरेज सोप की गोल डिबिया से साबुन लगाकर शेव बनाई है, जिन्होंने गुड़ की चाय पी है, काफी समय तक सुबह काला या लाल दंत मंजन या सफेद टूथ पाउडर इस्तेमाल किया है। हम निश्चित ही वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो पर बीबीसी की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो और बिना का गीत माला जैसे प्रोग्राम सुने हैं। हम ही वो आखिरी लोग हैं जब हम सब शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव किया करते थे, उसके बाद दरी चादरें बिछाकर सोते थे। एक स्टैंड वाला पंखा सबको हवा के लिए हुआ करता था। सुबह सूरज निकलने के बाद भी ढीठ बने सोते रहते थे। वो सब दौर बीत गया। दरी चादरें अब नहीं बिछा करती है। डब्बे जैसे कमरों में कूलर, एसी के सामने रात होती है, दिन गुजरते हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वो खूबसूरत रिश्तों और उनकी मिठास बांटने वाले लोग देखे हैं जो लगातार कम होते चले गए। अब तो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतना ही खुदगर्जी, अनिश्चितता, अकेलेपन व निराशा में खोते जा रहे हैं। हम ही वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास महसूस की है। हम एकमात्र वह पीढ़ी है जिसने अपने माँ बाप की बात हमेशा मानी है और बच्चों की भी मान रहे हैं। ये पोस्ट मेरे मित्र विभव त्रिवेदी ने मुझे भेजी। अच्छा लगा पढ़ के। मुझे लगा कि शायद इस पोस्ट को मैं अपनी आवाज़ में पिरो दूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। मैं कमलेश गढ़िया मंदसौर से।